सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि एक्चुअली में हीमोहीम एक्चुअली में क्या है। देखिए हीमोहीम के बारे में अगर हम बात करें तो सिंपल हीमोहीम, जैसा कि रितेश रंगारे जी ने अभी बताया कि अगर मैं कोरिया की बात करूं तो कोरियन वॉन्स में वन ट्रायल एंड एनुअल सेल इस कम इस सिंगल प्रोडक्ट ने दिया है और 1.3 बिलियन US डॉलर का टर्नओवर है एक साल का। तो आप समझ सकते हैं कि जैसा रितेश जी ने बताया कि बहुत सारी कंपनीज है जिनका कंप्लीट टर्नओवर इतना नहीं है, और अगर वो इतना टर्नओवर रखती हैं तो मैं आपको सच बताऊं वो कंपनी 1 to 15 में आ जाएगी DSN रिपोर्ट के हिसाब से। और आप सबको पता है कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो कहाँ कहाँ किस किस रैंक में है DSN रिपोर्ट में, ये आप सबको पता है। तो आप ये सोचिए एक सिंगल प्रोडक्ट है जिसका टर्नओवर 1.3 बिलियन US डॉलर है, और ऐसे प्रोडक्ट को अगर मैं आपको बताने वाला हूं तो आप समझ सकते हैं कि आपका बिजनेस एक्चुअली में इस प्रोडक्ट के आने के बाद कहां जा सकता है। ऐसा क्या है इस प्रोडक्ट में, ऐसी क्या चीज है इस प्रोडक्ट में, सच में अगर आप समझ जाएंगे तो यू फील कि यस ये कंपनी एक्चुअली किस वजह से, इस सिंगल प्रोडक्ट की वजह से अगर मैं बोलूं तो ये कंपनी आज 10th रैंक पर है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है वर्ल्ड की एटमी, और उस फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी होने के पीछे अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट का अगर हम नाम लें तो दैट इज व्हाट हीमोहीम। हीमोहीम आप सोचिए एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्चुअली में मुर्दों में जान लाता, जहां आपको ये फील होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता इस पर्सन का, डॉक्टर्स आपको डिनाई कर देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता इस पर्सन का, तो मैं ये आपको नहीं बोलूंगा कि ये प्रोडक्ट उस पर्सन को ठीक कर देगा, लेकिन हाँ ये जरूर मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपने ये प्रोडक्ट दिया तो उसकी लाइफ स्पैन जरूर बढ़ जाएगी। अगर डॉक्टर ने ये कहा कि ये पेशेंट ज्यादा से ज्यादा 3 महीना जिंदा रह सकता है, आपने क्या कहना है कि आप इस तीन महीना इस प्रोडक्ट को यूज करो, अगर 3 महीना जिंदा रह गया ये तो 1 साल की तो मेरी गारंटी। एक पर्सन जिसकी फैमिली को पता है कि 3 महीने में ये पर्सन मर जाएगा और आप उसको 1 साल की गारंटी दे रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं वो जरूर जरूर आपके इस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहेगा। कोई नहीं चाहता उसकी फैमिली का कोई सदस्य उनको छोड़कर चला जाए सिर्फ 5, 10, 20 हजार रुपए के लिए, तो डेफिनेटली वो इस प्रोडक्ट को यूज करेगा। और यूज करने के पीछे एक्यूरेट जो तथ्य है, जो लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है, वो मैं आज आपके सामने रखूंगा कि क्यों ना यूज करें। डेफिनेटली आज जितने लोग यहां बैठे हैं, अरुण सर कितने लोग हैं अभी? 417। ठीक है, तो जितने 400 लोग, अब अप्रोक्सीमेटली 400 लोग बैठे हैं, और 400 लोग, मैं आपको गारंटी देता हूं 400 लोग अगर 10-10 लोगों को भी आज के सेशन के बाद बताते हैं तो 4000 हीमोहीम फर्स्ट डे की सेल होगी कंपनी में और गारंटेड सेल। वजह आपको आज समझ आ जाएगी। अगर मैं बात करता हूं एक जर्नल टॉपिक, एक जर्नल तरीके से बात करूं तो एक्चुअली में हीमोहीम क्या करती है, अगर मैं एथलेट्स की बात करूं, खिलाड़ियों की बात करूं, तो ये हीमोहीम उनको फिजिकल स्ट्रेंथ देगी। अगर मैं हाउसवाइफ की बात करूं तो हाउसवाइफ में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो थक जाती हैं, फटीग हो जाती हैं, तो आप देखेंगे उनकी थकान नहीं होगी हीमोहीम लेने के बाद। मैं अगर स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टेमिना, उनके स्टेमिना में इन्हेंसमेंट होगा, रेनफोर्समेंट होगा उनके स्टेमिना में। अगर मैं ऑफिस गोइंग पर्सन की बात करूं तो ओवर टाइम वर्क अगर करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी रहती है, वो नहीं रहेगी, मेंटल और फिजिकल बोथ। अगर मैं बुजुर्गों की बात करूं, एल्डर की बात करूं, तो उनमें एनर्जी रिकवरी देगी ये हीमोहीम। अगर इन 5 बातों को भी अगर आप दिमाग में बिठा लें, अगर बहुत ज्यादा साइंटिफिक कॉजेज में ना जाएं, तो ये 5 बातें भी काफी है ये समझने के लिए एक्चुअली हीमोहीम किसके साथ क्या करने वाला। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हीमोहीम के बारे में अगर हम बात करें तो हीमोहीम में क्या चीज है, सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के बेस पर इस प्रोडक्ट को बनाया गया,
और रेडिएशन टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया और इसको अप्रूव किया KFDA, कोरिया फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको हेल्थ फंक्शनल सप्लीमेंट के फॉर्म में वर्ल्ड के सामने रखा। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है हेल्थ फंक्शनल सप्लीमेंट। आपने सुना होगा सप्लीमेंट, हम कह रहे हैं हेल्थ फंक्शनल सप्लीमेंट, एक ऐसा सप्लीमेंट जिसके पीछे बायोटेक्नोलॉजी एंड रेडिएशन टेक्नोलॉजी दोनों को मुद्दा बनाकर आपके सामने पेश किया गया। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए रेडिएशन टेक्नोलॉजी और बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड अगेन नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। आप सोचिए, आज अगर आप कहीं भी बात करते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, स्पेशली सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो आपको कहीं दूर दूर तक ऐसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड आपने नहीं सुना होगा उस सप्लीमेंट के बारे में, बट हीमोहीम के बारे में स्टार्टिंग फेज ही टेक्नोलॉजी से होती। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये समझने वाली बात। अगर हम नेक्स्ट बात करूं फूड एंड बायोटेक्नोलॉजी, कैरी जो हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट है उसका फूड एंड बायोटेक्नोलॉजी टीम ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डेवलप किया उन लोगों के लिए जो रेडिएशन के चपेट में, जो लोग वहां पर एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आते, मतलब गवर्नमेंट ने देखा कि जो लोग रेडिएशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं ऑब्वियसली वो लोग ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन की चपेट में है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के ज्यादा एक्सपोजर में। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि ये लोग जो यहाँ काम करते हैं उनको मिनिमम हैजर्ड हो, मिनिमम हेल्थ हैजर्ड, क्योंकि कोई भी अपनी लाइफ को दांव पे लगाकर काम नहीं कर सकता। और ये एक सिंगल सोच, इस सिंगल सोच की वजह से जो हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट है कैरी, उसके फूड एंड बायोटेक्नोलॉजी टीम ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डेवलप करके पहले उनके सामने रखा और अब ये प्रोडक्ट आपके सामने अवेलेबल। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात। और अगर हम देखें कि एक्चुअली हीमोहीम के साथ क्या चीजें हैं, तो हीमोहीम अगर हम बात करें इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पेटेंट रिलेटेड पेटेंटेड मेडिसिन, मेडिसिन आप बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्स बोल सकते हैं। 8 साल के R&D के बाद ये एक नेशनल प्रोजेक्ट था जिसमें 8 साल की R&D लगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सबसे पहली ये एक ऐसा सप्लीमेंट आपके सामने आया जो अभी मैंने बताया था फंक्शनल हेल्थ सप्लीमेंट के फॉर्म में चीजों को आपके सामने इसे रखा गया, इस चीज को। और कैरी ने इसको डेवलप किया और कोरिया कैंसर हॉस्पिटल ने इसके ऊपर टेस्ट किए कि वाकई में क्या ये प्रोडक्ट कैंसर के लोगों पे इम्पैक्ट डालता है या नहीं डालता। तो इन दोनों के एक जॉइंट वेंचर से हीमोहीम को फाइनल टच दिया गया। अगर मैं आगे बात करूं तो US में पेटेंटेड है, 4 मेजर कंट्री ऑफ यूरोप में पेटेंटेड है, कोरिया में पेटेंटेड है। किस लिए? इम्यूनिटी इन्हेंसमेंट के लिए इसको पेटेंट कराया गया। मतलब कुछ मेजर कंट्रीज हैं जहां पे बहुत इजीली चीजें पेटेंट नहीं होती है, हीमोहीम वहां पे इम्यूनिटी इन्हेंसमेंट के लिए पेटेंट कराया गया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर US जैसी कंट्री, यूरोप जैसी 4 मेजर कंट्रीज अगर इसमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एज ए पेटेंट, एज ए फूड सप्लीमेंट, पेटेंटेड फूड सप्लीमेंट लेती है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या आपको और किसी सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट रह जाएगी। आप एक सोचिए, अगर आपके दिमाग में कभी सप्लीमेंट वर्ड आता है, तो मैं अगर आपको बोलूं एक सिंगल सप्लीमेंट की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास एक सिंगल प्रोडक्ट आता है हीमोहीम, और एक सिंगल कंपनी आती है एटमी, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट किसी भी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है जिसके पीछे इतना मेजर रिसर्च हो। अब अगर हम बात करते हैं कि एक्चुअली में इम्यूनिटी क्या चीज होती है, सबसे पहले इस प्रोडक्ट को समझने के लिए मैं इसके इंग्रेडिएंट्स को समझाऊं, उससे पहले हमें कुछ बातें समझनी चाहिए एक्चुअली में इम्यूनिटी क्या चीज होती है। तो देखिए, अगर आप आसपास इस इन्वायरमेंट के चपेट में होते हैं,
इस इन्वायरमेंट में आपके आसपास पैथोजेंस बहुत सारे होते हैं। पैथोजेंस का मतलब होता है, पैथो मीन्स डिजीज, जेन मतलब जनरेट करने वाला। डिजीज जनरेट करने वाली चीजें आपके आसपास बहुत सारी होती है, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स एंड इन्वायरमेंटल केमिकल्स एंड अनदर रेडिएशन हैजर्ड्स। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी इम्यूनिटी को डाउन करती है। अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो आप किसी भी बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। कोई भी बीमारी आपको हो सकती है अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन, ये समझने वाली बात। अब बात है, व्हाट आर अनडिजायरेबल इम्यून रिएक्शन? क्या ऐसी चीजें होती है जिससे आपको ये पता लग जाता है कि मेरी इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन हो गई? तो आप देखते हैं, कुछ एलर्जीज हैं, अस्थमा है, रेनाइटिस है, और कुछ स्किन में आप देखते हैं रैशेस पड़ जाते हैं, बार बार आपको छींके आने शुरू हो जाती है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स अगर आपको नजर आ रहे हैं कि अचानक से ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ होती है, इसका मतलब है इम्यूनिटी आपकी डाउन। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाउ डू फंक्शनल हेल्थ सप्लीमेंट रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम? कहता है जो फंक्शनल हेल्थ सप्लीमेंट है वो आपकी इम्यूनिटी के साथ क्या करता है। तो इसका एक सिंपल सा वर्क है कि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है और अनवांटेड जो इम्यून रिएक्शंस हैं वो आपकी बॉडी में नहीं होने देता। मतलब आपको सिंपल भाषा में बात करें तो ये आपको फिट रखता है। अब कहते हैं इम्यून सिस्टम को और ऐसी क्या चीजें जो परेशान करती है, जो तंग करती है, जो इम्यून सिस्टम को डाउन करती है? तो आपको पता है कि जो हमारा पॉल्यूटेंट है, स्ट्रेस है, इंस्टेंट फूड हम खाते हैं, फूड कंटेनिंग फैट, एल्कोहल, स्मोकिंग एटसेट्रा, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें आपके इम्यून सिस्टम को डाउन करती हैं। अब व्हाट इज हेल्दी इम्यून सिस्टम? कहते हैं हेल्दी इम्यून सिस्टम क्या होता है? कहते हैं हेल्दी इम्यून सिस्टम वो है जो आपको जो भी चीजें आपके बॉडी के अंदर जो सेल है जो इन फैक्टर्स की वजह से डैमेज हो रहे हैं उन फैक्टर्स को वहां से हटाए और जो डैमेज सेल्स हैं उनको रिपेयर करें। अगर ऐसा है तो आप देखेंगे कुछ अगर आपके अंदर चल भी रहा है तो भी आपकी बॉडी उसके लिए एडेप्ट हो जाती है, बॉडी उसको रिकवर करना शुरू कर देती है, जिसको हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो इम्यूनिटी को हम लोग कहते हैं जीवनी शक्ति। तो अगर आपकी जीवनी शक्ति प्रॉपर है तो आप कुछ मर्जी हो जाए, आपके अंदर वायरस चला जाए, आपके अंदर बैक्टीरिया चला जाए, लेकिन आपकी जो जीवनी शक्ति है वो उसके अगेंस्ट वर्क करती है। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, आज अगर मैं आपको बताऊं बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे बीच में हुए जिन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें कंप्लीटली बैक्टीरिया फिलअप था, उसने ये प्रूव करने की कोशिश करी कि अगर बैक्टीरिया से डिजीज होती है तो मैं ये पूरा का पूरा जो एक टेस्ट ट्यूब है बैक्टीरिया से भरा हुआ मैं इसको पी लेता हूँ। और उसने पी के दिखाया और पीने के बाद 48 आवर्स के बाद जब उसने कहा मेरा टेस्ट करिए, आप हैरान हो जाएंगे, उसके ब्लड के अंदर उस बैक्टीरिया टेस्ट ट्यूब से भरा बैक्टीरिया का एक बैक्टीरिया भी उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं था। आप समझ सकते हैं क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था कि उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट को ये पता था कि मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है और मेरी इम्यूनिटी क्या करेगी, इन इन बैक्टीरियाज को मार देगी और मेरी बॉडी से इसको एलिमिनेट कर देगी, मेरी बॉडी में इसको जगह नहीं मिलेगा पनपने का। अगर बॉडी में जगह ही नहीं मिलेगा बैक्टीरिया को पनपने का, डेफिनेटली वो क्या करेगा, आपकी बॉडी से हट जाएगा या हमारे इम्यून सिस्टम उसको हटा देगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है समझने की, अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है। मैंने अपने प्रैक्टिस में कई बार ऐसे देखा है एड्स के केसेस को कि एड्स में एक्चुअली क्या होता है, इम्यून पावर बहुत वीक हो जाता है एड्स में, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं उसको, तो एड्स में बहुत कम हो जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपने खाने पीने को और सप्लीमेंट्स को बहुत प्रॉपर रखते हैं और आप हैरान हो जाएंगे एड्स के पेशेंट की जो मौत होती है एड्स से कभी नहीं होती, उनकी मौत होती है और अदर अदर इन्फेक्शन से। और मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि पर्सन को एड्स है, उसके कारण कई लोगों को एड्स हो गए, वो सब मर गए लेकिन वो पर्सन जिंदा है अभी भी, क्योंकि उसने अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करा हुआ है इन स्पाइट ऑफ एड्स उसके अंदर है। तो
सोचिए कितनी बड़ी बात है, जो उसके कांटेक्ट में आया वो मर गए और वो अभी भी जिंदा है। वजह, उसकी इम्यूनिटी को उसने अपने खाने पीने से और अपने फूड सप्लीमेंट से उसने अपनी इम्यूनिटी को रोक रखा है, ठहरा रखा है एक जगह, जिसके कारण उसकी मौत नहीं हो रही, उसकी कांटेक्ट में आने वाले लोग जिसकी इम्यूनिटी कम है उसकी मौत उससे पहले हो गई। ये अपने आप में कमाल की बात है, इसे कहते हैं इम्यूनिटी, जीवनी शक्ति। अगर आपके अंदर जीवनी शक्ति है तो आप जिंदा रहते हैं। आपने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग देखे होंगे जो खाट पे पड़े रहते हैं, ऐसा लगता है अब मरा अब मरा अब मरा, लेकिन कमाल की बात आप देखो वो मरते नहीं है, हम हैरान होते हैं भाई क्या खा के जी रहा है। उसकी जीवनी शक्ति है जो उसे रोके रखी है। तो ये जिस दिस इज नोन एज इम्यूनिटी, ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी होती है। हीमोहीम इज ऑल अबाउट इम्यूनिटी ऑफ योर बॉडी, ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा देगी। हीमोहीम कोई भी, अगर हम बात करें तो इट इज नॉट ड्रग, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगी और आपकी इम्यूनिटी फिर डिजीज के अगेंस्ट फाइट करेगी। अगर ये कहना कि हीमोहीम एक पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट फाइट करेगी, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। हीमोहीम ने क्या करना है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करना है और इम्यूनिटी ने उस डिजीज के अगेंस्ट फाइट फाइट करना है। अगर आपकी इम्यूनिटी सही लेवल पे बढ़ जाती है तो आपको बीमारी, चाहे कब टू कैंसर एनी डिजीज, यू मे रिकवर। अब आप उसको ये कह सकते हैं कि वो हीमोहीम से हुआ, या दूसरे ढंग से आप कह सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी की वजह से हुआ। तो ये आपको अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है और बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट। अब मैं अगर बात करता हूं कि इस इम्यूनिटी के लिए एक्चुअली में हमारी बॉडी के अंदर होता क्या है, तो हमारी बॉडी के अंदर होता है एनके सेल, जो आपने अभी वीडियो में देखा था एक छोटा सा झलक, जिसको मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। एनके सेल का खास बात है, इसको बोलते हैं नेचुरल किलर सेल। ये नेचुरल किलर सेल है जो बॉडी के अंदर पाई जाती है, और ये नेचुरल किलर सेल बॉडी के अंदर जितना ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, उतने ही कम आप बीमार पड़ते हैं। अब देखिए, अगर नेचुरल किलर सेल एक हेल्दी सेल के पास आती है, तो आप देखिए डायग्राम को ध्यान से, अगर यहाँ आप देखिए क्रॉस का साइन है, मतलब उस हेल्दी सेल को हमारी नेचुरल किलर सेल कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन अगर इस नेचुरल सेल में कोई फॉरेन पार्टिकल ने इस नेचुरल सेल को डिस्टर्ब कर दिया है, बेशक वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे आपका सेल कैंसरस हो चुका है, जो ट्यूमरस हो चुका है, अगर ऐसा कुछ भी होगा, इमीडिएट ये नेचुरल किलर सेल उस पर्टिकुलर सेल को, इन्फेक्टेड सेल को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर वो पर्टिकुलर डेंजरस सेल आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ऑब्वियसली जो चीज डिस्ट्रॉय हो गई वो 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 8 नहीं होगी। इसका मतलब है उस पर्टिकुलर ट्यूमर का या उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड सेल का ग्रोथ बंद हो जाएगा। अगर उस पर्टिकुलर सेल का ग्रोथ बंद हो गया तो डेफिनेटली आपको उस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट एनके सेल। आप समझ गए होंगे कि एनके सेल एक्चुअली क्या होता है। ये आपकी बॉडी का, कहते हैं ना, मेन जो गार्ड होता है वो मेन गार्ड होता है, जो किसी को भी जल्दी से अंदर नहीं आने देगा, और अगर वो अंदर आ गया तो उसे वो डिस्ट्रॉय कर दे। नेचुरल किलर सेल में आपको जो चीजें मैं बताई, कंट्रोल सेवरल टाइप्स ऑफ ट्यूमर एंड माइक्रोबियल इन्फेक्शन बाय लिमिटिंग देयर स्प्रेड एंड सब्सिक्वेंट टिश्यू डैमेज, ये ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अब बात हम आगे समझते हैं कि बहुत सारे सेल्स हमारे अंदर होते हैं जिनको हम बोलते हैं किलर टी सेल। अब ये क्या करती है, जो भी सेल, कोई भी पर्टिकुलर इन्फेक्टेड सेल है, उसके सरफेस को रिकॉग्नाइज करती है। हमारी बॉडी के अंदर ट्रायलेंस एंड ट्रायलेंस सेल्स है, उसमें जो पर्टिकुलर सेल ट्यूमर है उस सेल में या इन्फेक्टेड है, उसके सरफेस को रिकॉग्नाइज करती है और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको वो डिस्ट्रॉय कर देती है। अब देखिए एक्चुअली में होता क्या है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट स्लाइड में आपने देखा था, अभी जो वीडियो चल रहा था, साइटोकाइन। साइटोकाइन क्या होता है, साइटोकाइन एक्चुअली में एक प्रोटीन है। साइटोकाइन एक प्रोटीन है
जो एक्चुअली में जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं, एक इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, और ये जाकर इन्फेक्टेड सेल्स पे जाके चिपक जाते हैं, और वहां चिपकने के बाद क्या करते हैं, उसको हमारे एनके सेल रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये हमारे ब्लड सेल्स को, जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स से, हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह हैं, उनके नंबर्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। आप ऐसा कह सकते हैं, जनरल भाषा में अगर बात करूं, कि आपने अपने घर के आगे एक गार्ड रखा हुआ है और चोरों की टोली आ जाती है, तो उससे वो लड़े या ना लड़ सके लेकिन शोर जरूर मचा देता है। तो साइटोकाइन क्या करता है, वहां एक शोर मचाने का काम करता है, सारे सेल को अलर्ट कर देता है। जैसी सेल अलर्ट होते हैं, इमीडिएट बहुत सारे आपके क्या होते हैं, WBC रिलीज होने लग जाते हैं। बहुत सारे जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, WBCs हैं, लिम्फोसाइट्स जिसको कहते हैं, वो रिलीज होने लग जाते हैं। और वो जैसे रिलीज होते हैं, सोचिए कि एक है, चार लोग आए हुए हैं, चार लोगों के सामने वो गार्ड अकेला पड़ गया, तो वो गार्ड अब क्या कर रहा है, शोर मचा देता है। अब वो शोर मचाता है तो आस पड़ोस के 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और ऑब्वियसली जब 100 लोग इकट्ठे होंगे तो उस चार लोगों के ऊपर भारी पड़ जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि जब आपके फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर आते हैं, साइटोकाइनिन एक शोर मचा देता है, तुरंत बॉडी के सेल्स एक्टिवेट होते हैं, लिम्फोसाइट्स जो आपके डिफेंस सेल्स हैं उसका रिलीज जो होता है, वो नंबर्स उसके बढ़ जाते हैं, ज्यादा काउंट में वो रिलीज होने लग जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसको दबोच के उसे खत्म कर देते हैं। एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो साइटोकाइन ये करता है। अब देखिए एक डायग्राम को, कि सबसे पहले सेल स्टिमुलेट हुआ, जिस सेल ने रिकॉग्नाइज किया और उसने क्या किया, साइटोकाइन रिलीज किया, और वो साइटोकाइनी जाके स्पेसिफिक सेल्स में बाउंड हो गया, और वहां उसने सेल को एक्टिवेट किया कि भाई नाउ यू रिलीज WBC, न्यूमेरस नंबर्स। तो ये आपके एक्टिविटीज हुई बॉडी के अंदर, जिसको हमने कॉम्बिनेशन है, दिस इज एनके सेल और साइटोकाइन का, दिस इज अ कॉम्बिनेशन, ये इस तरह काम करते। अब आपको मैं बताऊं कि सारा बैकग्राउंड मैंने क्यों तैयार किया, क्योंकि अगर अगर आप एनके सेल को नहीं समझते, अगर आप साइटोकाइन को नहीं समझेंगे, तो आप डेफिनेटली हीमोहीम के रिसर्च को भी नहीं समझ पाए। हीमोहीम एक्चुअली में क्या है, ये समझने के लिए ये जरूरी है समझना कि एक्चुअली में हीमोहीम बॉडी के अंदर जाके करेगा और वो क्या करेगा, इसको समझने के लिए ये जरूरी है कि एनके सेल क्या करेगा और साइटोकाइन क्या करेगा। अगर आपको ये पता है तो डेफिनेटली आज अब आपको हीमोहीम बहुत इजीली समझ आना शुरू हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि हीमोहीम में ऐसा क्या है जिसके वजह से ये जो पीछे की मैंने सारी बातें बताई, ये सारी बातों को वर्किंग में लाने के लिए हीमोहीम में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेन तीन इंग्रेडिएंट अगर है तो एक है पियोनिया जेपोनिका, एक है एंजेलिका गिगास, एक है क्नाइडियम मोनिलिफेरी। तो ये तीन चीजें हैं जो आपके हीमोहीम के अंदर है। ये तीनों को अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस तरह के वो दिखते हैं, और ये देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाले हूँ, पियोनिया जेपोनिका, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीनिया ओ साइलेंट, पीनिया जेपोनिका। ये इस तरह का देखने में आपको दिखता है, और अब देखिए ये काम क्या करता है। अगर हम मैं इसको देखूं तो इसके ड्राई फॉर्म को अगर आप देखें, इस पाउडर फॉर्म को, तो कुछ लोग जो हीमोहीम ले चुके हैं वो समझ चुके होंगे कि मैं एक्चुअली इस स्लाइड में क्या दिखाना चाहता हूँ। अगर आप हीमोहीम खोलेंगे तो उसके जो लिक्विड का जो कलर है, समवॉट इसी तरह का वो ब्राउन कलर का होता है, और ये कलर जो आया ये आपका कहाँ से आया, इसी पर्टिकुलर हर्ब से आया। अब हम बात करते हैं ये पर्टिकुलर हर्ब करती क्या है। इस पर्टिकुलर हर्ब में सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये हेपेटो प्रोटेक्टिव होती है। हेपेटो प्रोटेक्टिव का मतलब होता है, हेपेटो मीन्स लीवर, लीवर को प्रोटेक्ट करती है और लीवर को वर्किंग के लिए प्रमोट करती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आपकी बॉडी का सबसे मेजर ऑर्गन, सबसे बड़ा ऑर्गन जो आपकी बॉडी का है,
लीवर जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सबसे बड़ा रोल जिसका है, उस पर्टिकुलर के लिए आज मेडिकल साइंस वर्क नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं है उनको पता नहीं है, उनको पता है, लेकिन उनको ये भी पता है कि अगर लीवर ठीक हो गया ना तो ये पेशेंट मेरे पास पक्का नहीं आएगा, और अगर पेशेंट नहीं आएगा तो फिर उनकी गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये एक कमाल की बात है, और हमारी एटमी ने सबसे पहले एक ऐसे प्लांट को ही मुहिम में इस्तेमाल किया जिसका मैक्सिमम रोल लीवर पे हो। और इस पर्टिकुलर हर्ब में एक खास बात होती है, बिलीरुबिन के लेवल को डाउन कर देता है। अगर किसी को जॉन्डिस हो गई है तो आप देखेंगे इसके इस्तेमाल से उसका पीलिया जिसको कहते हैं वो ठीक होने लग जाएगा। इसके अलावा अगर कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन में मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ, मैंने कई बार ये चीज बताई है, जिस भी वर्ड के पीछे आइटिस लगा हो, जैसे रिमेटाइड रिमेटाइड अर्थराइटिस, कॉन्जेक्टिवाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, हेपेटाइटिस, है ना, तो ये जिसके पीछे भी आइटिस वर्ड लगा हुआ है इसका मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट का इन्फ्लामेशन हो गया। तो जितने भी इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेटरी केसेस हैं, वहां आप देखेंगे कि ये जो हमारा एक पर्टिकुलर हर्ब हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि एनी टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को और थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इन्फ्लामेशन में एक्चुअली में 5 सिम्टम्स पाए जाते हैं, स्वेलिंग, पेन, बर्निंग, रेडनेस और रेडनेस, स्वेलिंग, हॉटनेस, एक हॉटनेस। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हॉटनेस, पेन, स्वेलिंग, बर्निंग, ये चीजें अगर कहीं भी आपको मिलती है, इनमें से 3 सिम्टम्स कहीं, जैसे मान लिया स्वेलिंग है, पेन है, बर्निंग है, लेकिन हॉटनेस नहीं है, तो कोई बात नहीं, तीन भी चीज अगर कहीं है तो दैट इज कम्स अंडर इन्फ्लेमेशन। तो आप देखते हैं, मैं और थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं, अगर आप एक पिन ले लें, एक पिन से आप क्या करें, अपने हाथ को, पिन से थोड़ा सा स्क्रेच मार दें। देखिए आपको मैं इन्फ्लेमेशन समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके कहीं खरोंच लग जाए तो देखिए, खरोंच लगेगा तो वहां क्या क्या होना है, वहां देखिए जहां खरोंच लगेगा वहां रेड हो जाएगा कंफर्म, आप देखिए वहां जलन होती है, बर्निंग होती है, वहां पे आसपास के पोर्शन से वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, आप देखेंगे वहां आपको पेन भी हो रही है, यस। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे नजर आती है, और साथ में वो स्वेल अप हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, मतलब रेडनेस, बर्निंग, हीट, पेन एंड स्वेलिंग, ये 5 के 5 सिम्टम हो तो भी इन्फ्लामेशन है, 5 में अगर 3 सिम्टम हो, 2 सिम्टम हो तो भी हम उसको इन्फ्लामेशन की कैटेगरी में ले लेते हैं। इन्फ्लामेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता स्वेलिंग। तो आपकी जिस भी पार्ट में, अब एक एग्जाम्पल देता हूं, आपने अपने आसपास अर्थराइटिस के केसेस देखे हो, अर्थराइटिस में आप देखते हैं आपके घर के बुजुर्ग होते हैं, घुटने में देखिए वो बिल्कुल से सूज जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है उसमें, और वो उसको जलन भी बताते हैं, दर्द भी बताते हैं, है ना, तो ये सारे पेन भी बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप जब देख रहे हो, आपका दिमाग इमीडिएट कहाँ जाना चाहिए, आपको हीमोहीम स्ट्राइक कर जाना चाहिए। एक और छोटा एग्जाम्पल लिखता हूँ, कंजक्टिवाइटिस को देखिए, आंख आ जाता है, आंख आने में क्या होता है, रेडनेस होती है, जलन होती है, गर्म हो जाता है, आंख से गर्म गर्म पानी आता है, दर्द वहां है, आंखों के आसपास स्वेलिंग हो जाती है, दिस इज अगेन नोन एज वॉट, कंजक्टिवाइटिस, आपकी आंखों में कंजेक्टिवा में आइटिस हो गया, कंजेक्टिवाइटिस, ऐसी हेपेटाइटिस में लीवर में इंफ्लेमेशन हो जाएगा। तो ये चीजें अगर आपको नजर आती हैं, तो दो बातें मैंने आपको बताई जिससे 80% मेडिकल साइंस कवर हो जाता है, वन थिंग इज वॉट आपके लीवर को टोन अप कर देगा, एंड सेकेंड इज वॉट आपके इन्फ्लामेशन को, बॉडी के किसी पार्ट में भी इन्फ्लामेशन है तो आपको ये इस पर्टिकुलर हर्ब की वजह से हीमोहीम जबरदस्त वहां पे वर्किंग करने वाली है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। अब आप हम थोड़ा सा और डिटेल लेते हैं कि इस पर्टिकुलर हर्ब ने आपकी बॉडी में क्या करना है। तो सबसे पहले आपकी इस पर्टिकुलर हर्ब ने क्या करना है, ये ब्लड टॉनिक। अब देखिए ब्लड टॉनिक को हम कैसे समझे, ब्लड टॉनिक का मतलब है एनी इंफ्लेमेटरी केसेस, अगर आपका ब्लड प्योर है तो इन्फ्लामेशन कहीं का भी ठीक हो जाएगा। अभी जैसे मैंने बताया रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो, चाहे वो अर्थराइटिस हो, अगर आपके नर्व्स में पेन है और अगर ब्लड ब्लड टॉनिक आप ले रहे हैं
तो नर्व का पेन आपका चला जाएगा और नर्व को वो काम कर देगा मतलब शांत कर देगा। अगर नर्व आपकी शांत हो गई तो आप देखेंगे आपको दर्द नहीं होगा। इवन अगर किसी को पाइल्स की समस्या है और वो ब्लड टॉनिक ले रहा है, और ब्लड टॉनिक क्या है, दिस पर्टिकुलर हर्ब, और ये हर्ब कहाँ है, हमारे हीमोहिम में, मतलब अगर हीमोहिम ले रहा है तो उसको पाइल्स की शिकायत भी दूर हो जाएगी बिकॉज दिस इज अ ब्लड टॉनिक। इसके बाद अगर मैं बात करूं डाइजेशन के बारे में, तो डाइजेशन में इंटेस्टाइनल टिश्यूज पे ये बहुत अच्छा वर्क करती है। जितने भी इन इश्यूज आएंगे आपके इंटेस्टाइन के सेल्स में, टिश्यूज में, जितने भी इंटेस्टाइनल और डाइजेस्टिव इश्यूज हैं उसको ये रिकवर कर देगा। लाइक व्हाट, कॉन्स्टिपेशन एंड इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम क्या होता है, कई सारे लोगों में एक समस्या रहती है, वो कहता है मुझे लूज मोशन होती है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, फिर लूज मोशन हो जाती है, फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मतलब उसका पूरा बॉवल हैबिट इरिटेटेड हो गया, मतलब उसकी इंटेस्टाइन इरिटेट हो गई है किसी चीज की वजह से, लूज मोशन हो जाता है किसी चीज की वजह से, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगर ऐसा केस आपके सामने आता है तो आपके सामने ये पर्टिकुलर हर्ब का नाम आएगा और ये पर्टिकुलर हर्ब आपको मिलेगा हमारे हीमोहिम में, मतलब आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि यस यू गो थ्रू व्हाट, हीमोहिम। इसके बाद अगर मैं बात करूं हार्ट हेल्थ की बात करूं, तो ये आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आपकी बॉडी में हार्ट के आसपास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होने देता, और अगर है तो उसको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है। प्लेटलेट एग्रीवेशन कहीं पे अगर हो गया है तो उसको रिड्यूस कर देता है, आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, और अगर आपकी ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो गई है तो आपका बॉडी के उस ब्लड वेसल्स में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मलाइज हो जाएगा, और जैसी ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मलाइज होगा आपका बीपी डाउन आना शुरू हो जाएगा, मतलब आपको अगर आप हाई बीपी का केस है तो वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट अगेन हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट अगर बात करूं हेल्दी ब्रेन फंक्शन की, तो ब्रेन फंक्शन पे इस पर्टिकुलर हर्ब का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल है, और ये आपके ब्रेन को वापस रिजुनेट करती, और इसके अलावा ये आपको क्लियर थॉट प्रोसेस वाला बनाती है, आपकी सोच बहुत ही क्लियर हो जाती है, और अगर ऐसा होता है तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी और आपकी याददाश्त वाली जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब सोचिए हीमोहिम क्या है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आई हेल्थ के बारे में, तो ये आपके हेल्दी विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर आपकी आंखें बहुत ज्यादा ड्राई रहती है तो उस ड्राइनेस को खत्म कर दे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद बात करें तो हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ये हर्ब बहुत मायने रखता है, मतलब फीमेल्स और मेल्स दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पर्टिकुलर हर्ब वर्क करता है। अब हीलिंग पावर की बात करूं तो इसके अंदर हीलिंग पावर बहुत ज्यादा है, चाहे वो कोलन, आप कोलन की हीलिंग हो, मतलब आपके इंटेस्टाइन की हीलिंग हो, लंग्स की हीलिंग हो, चाहे आपकी लीवर की हीलिंग हो और स्प्लीन की हीलिंग, ये आपकी कहीं भी बॉडी पार्ट में मेजर मेजर ऑर्गन्स की मैंने बात करी, वहां सर्कुलेशन बढ़ाती है, और सर्कुलेशन जैसी वहां बढ़ती है वहां हीलिंग हील होना शुरू हो जाता है। जहां भी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा उसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसी पर्टिकुलर पार्ट में खुराक की कमी हो जाएगी, और जैसी कमी होगी वैसे वैसे ही आपके अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगर बात करें इम्यून सिस्टम की, तो इम्यून सिस्टम के बारे में आपको पता ही है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा एनहेंस कर देती है, बहुत ज्यादा इम्यून सिस्टम को बढ़ा देती है, और अगर एक बार आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ गई तो उसके बाद डिजीज नाम की कोई चीज आपके सामने एग्जिस्ट नहीं करती है। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें समझने की जरूरत है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट नर्व पेन, अगर नर्व में पेन है और अगर आपको सर दर्द वगैरह है, एक्चुअली सर दर्द की प्रॉब्लम में क्या होता है, जो ब्रेन के नर्व्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, तो ये पर्टिकुलर माइग्रेन के हेडेक को ठीक करता है, मतलब अगर आपके आसपास कोई माइग्रेन का केस है तो आप उसको हीमोहीम सजेस्ट कर सकते हैं।
प्लस में ये आपकी एनर्जी को बूस्टअप करता है, इंटेलिजेंस को बूस्टअप करता है और आपके अवेयरनेस को बूस्टअप करता है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। स्ट्रेस कभी भी आपको हीमोहीम लेते स्ट्रेस नहीं हो सकता। और ये आपको पता है किसी भी ट्रॉमेटिक कंडीशन, बहुत सारे लोगों को ट्रॉमेटिक कंडीशंस आसपास क्रिएट हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपको हो रही है तो आपको मैं खास बताऊं कि इसके अंदर एक एडोप्टोजेनिक हर्ब पाया जाता है, इस पर्टिकुलर हर्ब के अंदर, और जो एडोप्टोजेन रिलीज करती है, और जैसे ही एडोप्टोजेन रिलीज होता है आपका स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस के अगेंस्ट लड़ना शुरू हो जाता है। तो ये अपने आप में एक कमाल है जो आज के जीवन में आपको पता है कि सबसे ज्यादा भयंकर बीमारी है स्ट्रेस की। तो हीमोहीम इज वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट हर्ब की अगर मैं बात करूं, एंजेलिका गिगास। एंजेलिका गिगास क्या करती है, अगर आपको भूख की प्रॉब्लम है, अगर आपके घर में और आपके आस पड़ोस में कोई ऐसी ऐसा केस है जो कहते हैं जी हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा या हमारे बुजुर्ग खाना नहीं खा रहे, अगर आप ये पर्टिकुलर हीमोहीम देते हैं तो इस पर्टिकुलर हर्ब की वजह से, एंजेलिका गिगास की वजह से उसके भूख में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अगर खाना नहीं पचता, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, ठीक हो जाती है। पेट में अगर उसके दर्द रहता है, बार बार दर्द की शिकायत करती है, तो वो ठीक हो जाती है। अर्थराइटिस को ये ठीक करती है, एथीरोस्क्लेरोसिस को ये ठीक करती है। एथीरोस्क्लेरोसिस का मतलब जो ब्लड वेसल्स है उस ब्लड वेसल्स के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल जमा होने लगते हैं जिसके कारण आपके ब्लड वेसल्स ठीक हो जाते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, उसको भी ये ठीक करती है। और सिंपल अगर आप देखेंगे कोल्ड कोल्ड कफ में भी ये काम करती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई की प्रॉब्लम फीमेल्स में बहुत ज्यादा होती है, उसमें ये हर्ब बहुत जबरदस्त काम करती है। किसी को हार्ट बर्न की केसेस हैं, गैस, एक्सेसिव गैस बनता है, कहीं से कोई इलाज नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा गैस की शिकायत है, आप उसको हीमोहीम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सर्कुलेशन बहुत खराब है, वहां हीमोहीम दे सकते हैं। ब्रोंकाइटिस अस्थमा का केस है, वहां आप हीमोहीम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एंजेलिका गिगास इन हीमोहीम। अब अगर हम बात करें इसी पर्टिकुलर हर्ब की, तो ये हमारे को और बहुत सारी काम करती है। एंटी स्पास्मोडिक होती है, ये ब्लड ब्लड को प्यूरिफाई करती है, डाइजेशन की बात मैं कर चुका, लीवर पे वर्क करती है, एक्सपेक्टोरेंट होती है, मतलब कफ्स वगैरह को ये बाहर निकाल देती है अगर नहीं निकल पा रहा। और ये आपके स्वेट, कई लोगों को पसीना नहीं आता तो ये आपके पसीने को भी बाहर निकालने में हेल्प करता है, जो आपके वजन को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। इसके अलावा रीनल फेलियर की प्रॉब्लम है किसी को, किडनी रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम हो रही है, आप वहां इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर मेंसुरेशन डिस्टरबेंस किसी को होती है वहां आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इवन किसी को फीवर वगैरह है तो ये एंटी फीवर हर्ब है जहां आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक कमाल की बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर हर्ब के बारे में, और वो है कि फीमेल्स में अगर हम बात करें तो एंटी कैंसर और इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर बहुत ज्यादा है। स्पेशली फीमेल्स में हम देखते हैं कि जो यूटीआई कैंसर, जो आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से जो कैंसर्स होते हैं, जो आपका वजाइनल कैंसर है या यूटेरस कैंसर है, उसमें ये पर्टिकुलर हर्ब बहुत ज्यादा काम करती है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो फीमेल्स के लिए हीमोहीम रामबान आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि फीमेल्स के अंदर ही जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके कैंसर या वहां का सिस्ट या वहां का ट्यूमर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो घर में कोई इस्तेमाल करे या ना करे, लेकिन आपके घर में जो फीमेल है उसे हीमोहीम इस्तेमाल करना कंपलसरी है। अगर आप मेरी बात माने तो पहला हीमोहीम आप उसको गिफ्ट करें जो आप एटमी इंडिया के प्लेटफॉर्म से परचेज करें। नेक्स्ट है कनाइडियम ऑफिसनेल। कनाइडियन ऑफिसनेल इज द थर्ड मेजर हर्ब, और ये आपके क्या करती है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, आपके सेक्स पावर को बढ़ाती है मेल फीमेल दोनों में। मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है,
अगर इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करती है, अगर बच्चों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, मतलब शादी हो गई 20 साल 22 साल का है बच्चा, शादी हो गई 25 साल का है, कुछ भी एज है जिसमें भी शादी होती है जिसकी, और वहां हम देखते हैं टेस्ट वेस्ट कराते हैं बच्चे होने के चांसेस नहीं होते, तो उस केस में भी ये पर्टिकुलर हर्ब वर्किंग करती है बहुत जबरदस्त। प्लस में बॉडी बिल्डिंग के काम आती है, तो आपके जो दोस्त जिम वगैरह में जाते हो वो बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंसर के लिए हर्ब बहुत बेनिफिशियल है। ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डियां आपकी बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल हड्डी कहते हैं गल गई बिल्कुल खोखली हो गई, उस केस में बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये हर्ब। ये आपके इंक्रीज एनर्जी को इंक्रीज करती है। इसके अलावा आपको इचिंग स्किन है, एक्जिमा है, रिंग वॉर्म्स है, रैशेज हैं, जो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है वहां ये पर्टिकुलर हर्ब जबरदस्त काम करती है। मीन्स ये पर्टिकुलर हर्ब कहाँ मिल रहा है, हमारे हीमोहीम में, तो मीन्स हीमोहीम इस पे बहुत जबरदस्त काम करती है। अब अगर बात करें हम रिसर्चेस की, तो रिसर्चेस में अगर हम देखें तो हीमोहीम को अगर हम देखें रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ सेल्स में डाले गए हीमोहीम, नंबर उसके 34, कुछ एनिमल एनिमल में डाला गया नंबर 55, जैसे चूहा वगैरह में डाला गया, और कुछ हमें क्लिनिकल स्टडीज में हमने नंबर 20 लिया। और इन सारे नंबर्स में जब हमने स्टडी किया तो एक कमाल की चीज हमारे अंदर निकल के आई कि इन स्टडी के दौरान हमने सब में देखा, चाहे सेल में, चाहे वो जानवरों में, चाहे वो ह्यूमन बींग्स में, वहां हमने देखा एनके सेल एक्टिविटी बढ़ गई। और अभी मैंने पीछे आपको बताया था हीमोहीम तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपको एनके सेल समझ नहीं आएगा। एनके सेल एक्टिविटी जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही आपकी बॉडी का डिफेंस बढ़ेगा, और जैसी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी वैसी आपकी बीमारी डाउन होने लगेगी। और ऐसे केसेस में यही देखा गया कि ट्यूमर का ग्रोथ स्लो डाउन हो गया, फॉल होना शुरू हो गया। जैसे जैसे एनके सेल आपकी बॉडी में बढ़नी शुरू हुई वैसे वैसे ही ट्यूमर ग्रोथ कम होना शुरू। ये अनदर स्टडी दिखाती है कि एनिमल में एक्सपेरिमेंट किया गया और ह्यूमन बॉडी में एक्सपेरिमेंट किया, और दोनों केसेस में जबरदस्त रिजल्ट सामने निकल के आए। और ये एक कमाल की बात थी, इस रिसर्च के बाद लोगों ने माना कि यस प्रोडक्ट्स आर वाकई में बेनिफिशियल, क्योंकि हमने तीन अलग अलग लेवल पे टेस्ट करके देखा, सेल पे भी देखा, चूहों पे देखा, आदमी पे देखा, और हर जगह हमने रिजल्ट देखा। लेकिन ह्यूमन बॉडी के केस में रिजल्ट थोड़ा सा वेरी किया, क्योंकि हर ह्यूमन बॉडी की बॉडी अलग है, प्लस में और कई सारे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होते हैं अदर देन कैंसर, जिसके कारण जो रिस्पॉन्सेस थे वो अलग अलग देखने को मिले। अब यहाँ देखिए, अगर हम हीमोहीम की स्टडी को देखें और इंटेस्टाइन्स के सेल्स पे इसकी स्टडी को देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल की स्टडी को देखें, तो नीचे वाले डायग्राम को आप देखिए और ऊपर वाले डायग्राम को देखिए, तो नॉर्मल अगर देखें अदर्स में देखा हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का मॉडल देखिए, तो उसकी जो म्यूकोजा लेयर है वो बहुत पतली हो गई है, और जहां हीमोहीम इस्तेमाल किया गया वहां उसके म्यूकोजा लेयर को देखिए वो बहुत ज्यादा थिक हो गई है। इंटेस्टाइन की म्यूकोजा लेयर अगर आपकी ठीक का है, अच्छी वर्किंग में है, तो ऑब्वियसली आपको कम से कम बीमारियां होती है। दिस इज एक्सपेरिमेंट ऑन हीमोहीम। अगर हम यहां देखें हीमोहीम के बारे में, तो जहां हीमोहीम का इस्तेमाल किया गया वहां पर अगर हम देखें इस डायग्राम को ध्यान से देखिए कि इसमें डॉट्स लेफ्ट साइड में आपको कम डॉट्स नजर आ रहे हैं और राइट में आपको ज्यादा डॉट्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि तो राइट में वो डॉट्स क्या है, एनके सेल है, और वो बोन मैरो से बहुत ज्यादा नंबर्स में क्रिएट हुए। जहां पर हीमोहीम का इस्तेमाल किया गया वहां एनके सेल का प्रोलिफरेशन बहुत फास्ट हुआ बोन मैरो की मदद से। और एनके सेल अभी आपको बताया मैंने स्टार्टिंग ही ऐसे करी थी कि अगर मोर एनके सेल नेचुरल किलर सेल आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा है, आपने अपने घर के आगे ज्यादा गार्ड खड़े कर रखे हैं, तो आपके घर में चोरी होने की पॉसिबिलिटी उतनी कम है, और जितने कम आपके गार्ड हैं उतनी ही आपके घर में पॉसिबिलिटी चोरी की ज्यादा है। तो एक यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, कई लोग अपने घर के आगे गार्ड अगर नहीं रखते हैं, घर में अच्छे खासे पैसे हैं, ऐसा नहीं मैं सबके लिए नहीं कह रहा, एक जनरल बात कह रहा हूँ कि अगर गार्ड आपके यहाँ नहीं है तो एक बार आपके घर में चोरी हो जाती है और चोरी होने के बाद फिर आप गार्ड रखते हैं कि चोरी ना हो, तो ये चीज कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लेके आना है कि चोरी होने दे और फिर गार्ड को रखें। कहने का मतलब है अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमारे घर में चोरी नहीं हुई है, तो भी हम हीमोहीम लेके हम गार्ड खड़ा कर सकते हैं अगेंस्ट पैथोजेंस, बीमारी क्रिएट करने वाले, और
चीजों से हम अपने बाहर एक गार्ड खड़ा कर सकते हैं, और वो गार्ड है नेचुरल किलर सेल का। तो जैसे 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 हीमोइम खाएंगे, नेचुरल किलर सेल आपके बॉडी में बढ़ जाएगा और आप उतने ज्यादा प्रोटेक्ट हो जाएंगे, उतने कम आप ससेप्टिबल रहेंगे बीमारियों के लिए। अब यहां देखिए इस एक्सपेरिमेंट में ध्यान से कि दो केसेस लिए गए, एक आप ब्लू लाइन देख रहे हैं और एक आप रेड लाइन देख रहे हैं। और ब्लू लाइन में देखा गया कि जो डेथ हुई सेल्स की, वो अगर 20-20 डेज में हो रही है, तो हीमोइम अगर इंजेक्ट किया गया तो उसमें आप लाइफ स्पेन देखिए बढ़ गया, मतलब वो उसकी डेथ बाद में हुई। अगर मैं यहाँ देखो इस पर्टिकुलर डायग्राम में, आप ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर पिक्चर में, यहाँ देखिए गांठ सी नजर आ रही है, इस पर्टिकुलर में यहाँ पे गांठ सी नजर आ रही है, मैं गोल कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर में यहाँ यहाँ ये। और जब ये क्या था, कैंसर को प्लांट किया गया, कैंसर के सेल को। और जब इसी माउस में हीमोहीम को प्लांट किया गया, तो आप देखिए यहाँ पे ये गांठ आपको नजर आ रही थी लेफ्ट में, और राइट में आपको ये गांठ नजर नहीं आ रही है। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखिए, ये अगेन रिसर्च हुआ चूहों पे, और ये रिसर्च किया कैरी ने। देखिए ध्यान से, मुझे लगता है देख चुके हैं आप लोग। अब मैं आगे चलता हूं, अब देखिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखिए कि अगर हमने हीमोहीम लिया तो वहां हुआ क्या, जो लिम्फोसाइट काउंट है वो आप देखिए, आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ हीमोहीम लिम्फोसाइट काउंट बढ़ गए, कमाल की बात है। ये एक अगेन एक डेटा और ग्राफ है जो दिखाती है कि हमारे अंदर अगर हीमोहीम जा रही है तो लिम्फोसाइट्स डिफेंस सेल आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा बनेंगे, और अगर डिफेंस सेल आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको किसी भी बीमारी से फाइट करने के लिए आपके पास सारी पॉसिबिलिटी जनरेट हो जाएगी। अब ये केसेस हैं कैंसर के जो कि आउट ऑफ इंडिया जो ठीक हुए। अब इंडिया में आने के बाद हम लोग अपने यहाँ के लोगों की फोटो भी लगाएंगे। ये केस आप देखिए, ये व्हाइट पैचेस है, ल्यूकोडर्मा है इसका, ल्यूकोडर्मा फेस पे, आप ध्यान दीजिए कि फेस पे ल्यूकोडर्मा अब नहीं है, ये फेस पे ल्यूकोडर्मा नहीं है, मतलब वो ये ल्यूकोडर्मा में भी इस्तेमाल हो सकता है जिसको विटिलिगो कहते हैं। इसके बाद ये देखिए आप, ये गांठ देखिए, ये गांठ देखिए 6 मंथ के बाद, और ये देखिए ये चेंजेस आपको बिकॉज ऑफ हीमोहीम, बिकॉज ऑफ हीमोहीम। अब आप नेक्स्ट देखिए, ये केस देखिए बिल्कुल अबाउट टू डेथ है, अबाउट टू डेथ है, और ये केस में अभी देखिए सर्वाइवल, ये लेडी यहाँ आपकी सर्वाइव में, मतलब इस पर्टिकुलर केस में के बाद आप इस केस को देखिए और आप समझ सकते हैं कि ये सारी के सारी टेस्टिमनीज हैं आपके सामने जो दिखाती है। एक चीज मैंने आपको बताया, ये हर्ब्स क्या है, हर्ब्स की क्या यूटिलिटी है, वो कुदरत ने दी है डेफिनेटली, जिसमें जो है वो है। इसके बाद हीमोहीम उन हर्ब से बनाया गया, और हीमोहीम का मैंने आपको लैब टेस्ट दिखाए और चूहे पे एक्सपेरिमेंट दिखाया और वो रिजल्ट दिखाया, लिम्फोसाइट्स का ग्राफ दिखाया, हीमोहीम का ग्राफ दिखाया, और अब ये केस मैं आपको दिखा रहा हूँ ह्यूमन बींग्स के, जिन्होंने लिया और उनको बेनिफिट हुआ। और आप सबको पता है कि यूएस में हीमोहीम की वजह से नंबर 4th रैंक पे कंपनी आ गई थी, किस वजह से, कोरोना काल में। हीमोहीम वहां पे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा हीमोहीम का यूएस में लोगों ने इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से कंपनी जंप मारकर यूएस में 4th रैंक पे पहुंच गई। और कोविड आप सबको पता है, आप सब कुछ झेल चुके हैं, तो आपका हीमोहीम इस कोविड पे भी काम कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट हीमोहीम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।